हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज का वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, किस प्रकार से आवेदन करना है ये मैंने आपको बता दिया है, क्या क्वालिफिकेशन, सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरने का तरीका भी बता दिया है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इस फॉर्म को भरने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आने वाले 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ, तो इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, सिलेबस क्या है, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने इस आवेदन किया है इस भर्ती के लिए, तो इस सिलेबस को पूरा सही से समझ लें ताकि आप तैयारी कर सकें और यह नौकरी पा सकें। तो बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। यह हमारे चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम इस पर नीचे आ जाते हैं और इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको जाके रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है पेपर किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि पेपर आपका फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ठीक है, इस बात को समझें। दोनों एग्ज़ाम आपको 2-2 घंटे के होंगे, जो समय सीमा दी जाएगी दोनों में आपको 2-2 घंटे की दी जाएगी। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको पार्ट 1 में रीजनिंग आएगी और पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के प्रश्न आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में होंगे और 50 ही आपके मैथमेटिक्स में होंगे, और 50 यानी कि एक नंबर का एक प्रश्न होगा, तो टोटल 50-50 के आपके मार्क्स भी हो जाएंगे। अब यह पेपर देने के बाद आपको सेकंड पेपर देना रहेगा। सेकंड पेपर में आपको जो पार्ट 1 है वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही ज़्यादा आप नंबर इससे अर्जित कर सकते हैं अगर आप अच्छी से तैयारी करते हैं तो। दूसरा इसमें जो रहेगा सब्जेक्ट वो रहेगा इंग्लिश का। इसमें आपको 50 प्रश्न जनरल नॉलेज के, 50 इंग्लिश के, एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा, तो उस हिसाब से 50 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 पेपर 100-100 नंबर के हो गए आपके, 200 नंबर का यह एग्ज़ाम होगा, 2-2 घंटे का समय, पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। एग्ज़ाम आपको समझ में आया। अब देखें कि आप सिलेबस, जैसे कि मान लीजिए हमें एग्ज़ाम देना है कि रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, तो इसमें पार्ट 1 में आपका रीजनिंग आएगा, मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप देख पा रहे हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या आएगा, ये आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या रहेगा यह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड रहेगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी रहेगी, ये आपका मैथमेटिक्स में है। ठीक है, एल्जेब्रा रहेगा और ट्रिकोनोमेट्री भी रहेगी यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं, और जियोमेट्री भी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये सारे आपके बहुत सारे इसमें चीज़ें रहने वाली, स्टैटिक्स है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है आपकी मैथ में। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और इंग्लिश है, तो जनरल नॉलेज आपको पता है कि डेली टू डेली जो आपको न्यूज़पेपर है इस तरह के प्रश्न है आते हैं बहुत सारे, तो ये आप पढ़ते रहें जिससे आपकी जनरल नॉलेज लगातार बनी रहे, करंट अफेयर सब अपडेट रहे, आपको कोई कमी ना होने पाए। अब इंग्लिश बचा, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश में आप, इंग्लिश में जैसे कि आप ग्रामर है इससे संबंधित चीज़ें पढ़ लें, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, इस तरह की बहुत सारे होते हैं, सब चीज़ों को आपको एकदम पढ़ लेना है, कोई चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं और अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये छोटा सा एकदम सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही छोटी सी चीज़ें, केवल मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये 4 चीज़ें आपकी केवल पूछी जाएंगी, 4 चीज़ें 50-50 नंबर की और आपको 2-2 घंटे
का समय मिलेगा दोनों में, यानी कि एक प्रश्न के लिए लगभग आपको काफ़ी समय दिया जा रहा है। तो अगर अभी तक आप ये सिलेबस नहीं जानते थे तो इसको पढ़ लें, इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया रहेगा, इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट आकर इसका पूरा अच्छे से रीड कर सकते हैं सिलेबस को, और उसके बाद आप तैयारी चालू कर दें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो वीडियो में दी गई अपडेट अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।